एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम इसमें डायरेक्ट सोचें कि भाई दो फैक्टर्स बने हुए नजर आ रहे हैं, तो हम लोग कह दें ए बाई एक्स प्लस बी बाई वन माइनस टू एक्स, तो क्या ये सही है? मैंने आपको पहले ही कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शंस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो आप देख सकते हो बच्चों कि इसमें न्यूमरेटर में भी दो पावर है एक्स की, और डिनोमिनेटर में भी अगर एक्स अंदर चला जाए तो दो ही पावर है, सेम पावर है, इट्स नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की पावर हमेशा न्यूमरेटर से ज़्यादा होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फिर इसमें क्या करना है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस कैन बी रिटर्न वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, और फिर डिवाइड कर देना है वन माइनस एक्स स्क्वायर में इसका, तो एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे। इसको क्या करके हम लोग एक्स स्क्वायर बना सकते हैं वो सोचिएगा। इसमें क्या कर सकते हैं अपन, सेम इसके जैसे बनाना है, वन बाई टू का मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई, वन बाई टू, इन दोनों में वन बाई टू को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, एक्स बाई टू, और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें किए तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा वन माइनस एक्स बाई टू, और जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव हो गया, कैंसिल, अब बचा है वन माइनस एक्स बाई टू। अब इसमें इसका डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री ज़्यादा है, इसी कम है, ठीक है? तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, जब हमने डिवीजन किया तो क्या आया, ये आया। सबसे पहले क्या लिखते हैं, जिसे याद नहीं है कि कैसे अपन इसको अरेंज करते थे, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले अपन कोशेंट लिखते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जो डिवाइजर है, क्या है, x माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको अपन ऐसे लिख सकते थे, वन बाई टू टू माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू टू माइनस एक्स। अब इसको फिर से फैक्टर के फॉर्म में लिख लो, x वन माइनस टू एक्स, ठीक। तो जो आपको, जो आपका इंटीग्रल है वो ऐसा हो गया है। पहले पार्ट से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका इंटीग्रेशन सबसे आता है, लेकिन ये क्या चीज़ है बच्चों, ये देखिएगा, इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर के फैक्टर बने हुए हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा इसमें। नाउ इन डिनोमिनेटर देयर आर टू फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स कैसे हैं, अलग अलग है ना, तो पार्शियल फ्रैक्शन का में कैसे रूल लग, क्या रूल लगे, कौन सा वाला रूल, नंबर वन, जब अलग अलग फैक्टर होते हैं, डिस्टिंक्ट फैक्टर, तो कैसे डिवाइड करते हैं, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। हम इसको अलग अलग इसलिए किए हैं ताकि इंटीग्रेशन कर सके, ठीक है? अब इंटीग्रेशन कर पाने के लिए हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो देख लो, एक्स वन माइनस टू एक्स ए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, प्लस बी एक्स, ये दोनों कैंसिल, टू माइनस एक्स इज इक्वल टू ए वन माइनस टू एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है? अब इसमें से हमें ए भी निकालना है, अगर हम लोग एक्स की वैल्यू जीरो रख दें तो बी हट जाएगा, x की वैल्यू जीरो यहाँ पे रख दीजिए, टू इक्वल्स टू ए वन माइनस जीरो प्लस जीरो, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो आपको a की क्या वैल्यू मिल जाती है, a इक्वल्स टू टू, a हमें मिल चुका है। अब अगर आपको b निकालना है, देन यू हैव टू मेक दिस a जीरो, ठीक है? तो आप क्या करोगे, अभी बताइए x क्या रखना चाहिए बच्चों, वन माइनस टू एक्स, कब जीरो होता है, जब x वन बाई टू होता है, तो पुट x इक्वल्स टू वन बाई टू, तो आएगा टू माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो प्लस बी इंटू वन बाई टू, टू माइनस वन बाई टू क्या होता है, थ्री बाई टू इक्वल्स टू बी बाई टू, टू से टू कैंसिल, बी इक्वल्स टू थ्री, बी इक्वल्स टू थ्री। ए और बी मिल जाने के बाद क्या करते हैं, वापस यहाँ पे जाते हैं, इस पार्ट में, इस पार्ट में वापस जाते हैं और ए बी की वैल्यू रख देते हैं। सो बच्चों बताइए, टू माइनस एक्स, एक्स इंटू वन माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, अब ए और बी की वैल्यू रखनी है, अपना ए क्या है, टू यहाँ पे रख रहा है अपन, टू बाई एक्स प्लस बी इज थ्री, थ्री बाई वन माइनस टू एक्स, तो हमने अपने जो इस पार्ट को अलग अलग कर लिया है, पर्पस क्या है, ताकि इंटीग्रेशन बन सके, इंटीग्रेशन कर पाए हम लोग इसका, ठीक है? तो अब जाइए वापस इस आई में, इसको तुमने अलग अलग कर लिया है, आई में वापस वैल्यू रख देते हैं, टू बाई एक्स प्लस थ्री बाई
वन माइनस टू एक्स, ठीक है, तो वन बाई टू प्लस, अब जब वन बाई टू अंदर जाएगा तो टू से टू कैंसिल, वन बाई एक्स प्लस थ्री बाई टू वन माइनस टू एक्स, आपको अपना इंटीग्रल आई ये मिल जाता है। देन ऑब्वियसली आई की वैल्यू मिली है तो इंटीग्रेशन साइन में रखना चाहिए, है ना, इंटीग्रल साइन ब्रैकेट के बाहर डी एक्स। अब क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो? डेफिनेटली हर टर्म का हम इंटीग्रेशन करना जानते हैं, जिस फॉर्म में ये आ चुका है। वन बाई टू का इंटीग्रल वन बाई टू एक्स, वन बाई एक्स का इंटीग्रल प्लस थ्री बाई टू, इसका इंटीग्रल लॉग मॉड वन माइनस टू एक्स प्लस सी। अब एक चीज और होगी, माइनस टू से डिवाइड, है ना, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ता है, तो माइनस टू से डिवाइड, तो इसको फोर कर लेते हैं। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेट दिस एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। लेकिन हम देख सकते हैं कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर बन जाएंगे x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, लेकिन ये देखते ही सीधे सीधे पार्शल फ्रैक्शन मत लगाने लगना, क्योंकि इसमें अभी फिलहाल लग ही नहीं सकता पार्शल फ्रैक्शन। वाई? दिस नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया था कि पार्शल फ्रैक्शन के लिए कंडीशन है कि जो फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर में x की पावर डिनोमिनेटर से कभी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमेशा कम ही होनी चाहिए। तो अभी हमारा काम ये है कि इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। कैसे? एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन में हम एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिवीजन करेंगे, तो एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स, सब्ट्रैक कर देंगे, ये कैंसिल, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, एक्स प्लस एक्स टू एक्स, और ये प्लस वन नीचे। आप देख सकते हैं कि क्या बचा, टू एक्स प्लस वन। अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री वन है और इसकी टू है, तो आपको डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज अ रिमाइंडर, दिस इज कोशेंट, ठीक है। सो जो हमारा इंटीग्रैंड था, इसे हम जब डिवीजन के बाद, अब हम डिवीजन एल्गोरिथम से इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि कोशेंट क्या आया, प्लस, जो कोशेंट आया उसको ऐड करते हैं, प्लस क्या बचा है रिमाइंडर, टू एक्स प्लस वन, ये ऊपर रहेगा और अपॉन में ये रहेगा। ये बात को याद रखिए, कई बार कन्फ्यूजन आते हैं बच्चे किसको कहाँ रखना है ना, बिल्कुल बेसिक चीज़ है लेकिन इसमें मिस्टेक मत कर लेना। तो जो हमारा इंटीग्रैंड था वो दो पार्ट में बट गया है। फर्स्ट पार्ट इज दिस, जिसका इंटीग्रेशन एक्स का सबसे बनता है। अब बची बात कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसमें अब लगाएंगे फिर से पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वन को किसके फैक्टर बनेंगे, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। पार्शियल फ्रैक्शन की प्रोसेस चालू करिए, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर, अगर डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं तो ए अपॉन प्लस बी अपॉन लिखते हैं। फिर क्या करते थे अपन, इसको एलसीएम लेते थे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ही आ जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, ए टाइम्स एक्स प्लस वन प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस वन, और इधर पे टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, कैंसिल, टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस वन। अब क्या करेंगे, वही ए को निकालना है तो बी को जीरो बना लेते हैं। तो बच्चा बताइए बच्चों कि बी कैसे जीरो होगा, लेट एक्स इक्वल टू वन, यहाँ पे एक्स की जगह वन रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री इक्वल टू, एक्स की जगह वन रखेंगे तो ये हो जाएगा टू ए। अब बताइए ए की वैल्यू क्या मिल गई, थ्री बाई टू, ए वी हैव गॉट थ्री बाई टू। एक्स की जगह अगर हम माइनस वन ले लें तो ए जीरो हो जाएगा, पुटिंग ए एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, माइनस वन यहाँ रख दीजिए, तो टू इंटू माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू जीरो प्लस बी इंटू माइनस वन माइनस वन, ठीक है, माइनस टू प्लस वन माइनस वन माइनस टू बी, तो बी इक्वल्स टू माइनस वन बाई माइनस टू, बी कितना आ जाएगा, वन बाई टू। अभी देखिए ए और बी फाइंड करने के बाद ए भी हम यहाँ पे रख देंगे, तो टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ए, ए की वैल्यू कितनी आई थी, थ्री बाई टू, तो ए अपॉन एक्स माइनस वन था ना, तो ये आ गया, और बी की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो हमने ए भी रख दिया किया था, है ना। तो हमारा जो इंटीग्रल है फाइनली एक्स क्यूब
प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, फिर उसके बाद ये टर्म, और इसको कैसे सेपरेट किया अपन लोग, ऐसे किया है ना, आ रहा समझ में? तो अभी हम फाइनली इन्हें इंटीग्रेट कर लेंगे, x प्लस थ्री बाई टू एक्स माइनस वन प्लस वन बाई टू एक्स प्लस वन डी एक्स। अब बच्चों हम इन तीनों टर्म्स को इंटीग्रेट कर देंगे, दैट विल बी द फाइनल आंसर। x का इंटीग्रल प्लस थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी, ठीक है? तो दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है?